कन्नड़ फिल्म स्टार चेतन कुमार को लेकर एक बड़ी खबर सामने आ रही है। एक्टर ने हिंदू धर्म को लेकर विवादित ट्वीट कर दिया है, जिस वजह से बेंगलुरु पुलिस ने उन्हें अरेस्ट भी कर लिया है। दरअसल चेतन कुमार ने 20 मार्च सोमवार को अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर हिंदू धर्म को लेकर एक विवादित ट्वीट किया, जिसमें उन्होंने अपने पॉइंट को रखा, जिसके चलते वो हिंदुत्व को झूठ पर टिका हुआ होने का दावा कर रहे थे। अपने ट्वीट में उन्होंने लिखा, हिंदुत्व पूरा झूठ पर बना हुआ है। सावरकर, भारतीय राष्ट्र तब शुरू हुआ जब राम ने रावण को हराया और अयोध्या वापस लौटे, झूठ। 1992 में बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि है, एक झूठ। 2023 उरी गौड़ा नांजे गौड़ा टीपू के हत्यारे हैं, ये भी झूठ। हिंदुत्व को सत्य से हराया जा सकता है, सत्य समानता है। इस विवादित ट्वीट के चलते चेतन को गिरफ्तार कर लिया गया है। आपको बता दें, ऐसा पहली बार नहीं जब चेतन ने कोई विवादित बयान दिया हो। इससे पहले भी चेतन हिंदू धर्म को लेकर अपने बेतुके बयानों के चलते सुर्खियों में रहे हैं। इन विवादों के चलते एक्टर को पहले भी कई बार अरेस्ट किया गया है, जिसके चलते वो जमानत पर बाहर चल रहे थे और अब एक बार फिर से इस ट्वीट के सामने आते ही एक बार फिर से उन्हें अरेस्ट कर लिया गया है। आपको बता दें, कन्नड़ फिल्म एक्टर चेतन कुमार किसी अलग पहचान के मोहताज नहीं है। अब इसी बीच जब चेतन कुमार को लेकर ये बड़ी खबर सामने आई तो वो अचानक से सुर्खियों में आ गए। हिंदू धर्म को लेकर पहले भी ऐसे विवादित बयान कर चुके एक्टर चेतन कुमार काफी ज्यादा सुर्खियों में रहते हैं। आपको बता दें, मौजूदा समय में चेतन कुमार के इस ट्वीट का हिंदू संगठन की ओर से जमकर विरोध किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि बजरंग दल के नेता ने चेतन के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। आपको बता दें कि चेतन पहले भी जमानत पर बाहर रह चुके हैं। वेल दोस्तों, साउथ इंडस्ट्री जहां इतना ज्यादा धर्म को मानती है, अपने धर्म को अच्छे से फॉलो करती है, वहीं किसी एक्टर की तरफ से ऐसा बयान आना सच में हैरानजनक है। दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। इस बारे में आपका क्या कहना है हमें कमेंट करके जरूर बताइए। साथ ही बॉलीवुड से जुड़ी खबरों के लिए देखते रहें फिल्मी बीट और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को जरूर फॉलो करें।